निर्भया केस में दोषी मुकेश की अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। मुकेश ने डेथ वारंट पर रोक लगाने की मांग की है। दिल्ली के शाहीन बाग में रास्ता खुलवाने की कोशिश जारी, अब तक नहीं निकल सका है कोई रास्ता। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद शाहीन बाग में प्रदर्शन कर रहे लोगों से पुलिस की अपील, ट्रैफिक के लिए छोड़े सड़क का एक हिस्सा। दिल्ली के शाहीन बाग में नागरिकता कानून पर प्रदर्शन के चलते अस्त व्यस्त है ट्रैफिक, हर रोज सड़कों पर लगता है लंबा जाम। करीब एक महीने से बंद है शाहीन बाग इलाके की सड़कें, लोगों को भारी परेशानी। जेएनयू हिंसा पर पुलिस की पूछताछ जारी, आज चुनचुन कुमार और डोलन सामंता से सवाल। अक्षय अवस्थी, रोहिचा और कोमल शर्मा का कोई पता नहीं, पुलिस कर रही है तलाश। जेएनयू, जामिया और एएमयू के समर्थन में उतरे 507 छात्र, बताया संस्थान और देश को बदनाम करने की साजिश। जेएनयू के बाद गुजरात विद्यापीठ में सीएए का विरोध रोकने पहुंची पुलिस, सीएए के विरोध वाली पतंग उड़ाने से रोका। जामिया यूनिवर्सिटी में आज सीएए को लेकर विरोध, एम्स के डॉक्टर और वकील होंगे मार्च में शामिल। आज सेना दिवस पर दिल्ली में भव्य परेड का आयोजन, सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे ने ली परेड की सलामी। परेड की अगुवाई करने वाली पहली महिला अधिकारी बनी कैप्टन तानिया शेरगिल, जवानों ने दिखाया था। हर साल 15 जनवरी को मनाया जाता है सेना दिवस, आज ही के दिन 1949 में फील्ड मार्शल केएम करियप्पा ने अंग्रेजों से ली थी सेना की कमान। करियप्पा ने 1947 में भारत पाक के बीच हुए युद्ध में भारतीय सेना की संभाली थी कमान, देश के लिए गौरव का दिन। समारोह से पहले वॉर मेमोरियल पहुंचे सेनाध्यक्ष, शहीदों को दी श्रद्धांजलि। तमिलनाडु में पोंगल के मौके पर जलीकट्टू का आयोजन, 700 लोगों ने लिया हिस्सा। मकर संक्रांति के मौके पर आसमान में बिखरी रंग बिरंगी पतंगे, महिलाओं ने लिया पतंगबाजी में हिस्सा। मकर संक्रांति के मौके पर नदियों में आस्था की डुबकी, वाराणसी में सुबह से स्नान जारी। कोलकाता के गंगा सागर में भी उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त। प्रयागराज के घाटों पर भी श्रद्धालुओं ने किया पवित्र स्नान, ठंड में लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। गोरखपुर में मकर संक्रांति के मौके पर सीएम योगी ने की पूजा अर्चना, गोरखनाथ मंदिर में लिया आशीर्वाद। उत्तराखंड के मशहूर पर्यटन स्थल चकराता में जबरदस्त बर्फबारी, कई फीट बर्फ जमने से ज्यादातर रास्ते ठप। उत्तरकाशी में भारी बर्फबारी, सड़क पर बर्फ, बिजली गुल होने से आम लोग परेशान। श्रीनगर में भारी बर्फबारी से सड़कें बंद, अस्त व्यस्त हुआ आम जनजीवन। श्रीनगर में भारी बर्फबारी के बाद सड़कों पर गाड़ियों का चलना मुश्किल, प्रशासन बर्फ हटाने में जुटा।